हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं रांची पतरातू लेक रिजॉर्ट। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एडवेंचरस प्लेस इन रांची। व्यू इज़ रियली ऑसम। वैसे तो ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वहाँ से डिस्टेंस 35 किलोमीटर है। रांची से मैक्सिमम 45 किलोमीटर दूरी पर है और मैं रांची मेन टाउन से यहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा लगता है। इफ़ यू विजिट झारखंड फॉर नॉट मिस दिस वैली प्लेस। पतरातू वैली क्लीन एंड क्लियर ज़िगज़ैग रोड इन एस और जेड से। व्यू ऑफ रोड फ्रॉम हिल इज़ ऑसम। रोड के किनारे छोटे बाउंड्रीज बने हुए हैं जहाँ आप बैठकर डैम का फुल व्यू देख सकते हैं एंड फोटो शूट भी अच्छे से करा सकते हैं। डैम तक पहुंचने के लिए रोड अपर से डाउन स्टेप पे है। 3-4 स्टेप नीचे जाने पर आप डैम तक पहुंचते हैं। रोड के 2 स्टेप नीचे आने पर आप वहां से पतरातू वैली का फुल व्यू देख सकते हैं। आपको यहां से पतरातू डैम का फुल व्यू दिखेगा। रोड के किनारे बहुत सारे स्ट्रीट फूड अवेलेबल मिलेंगे। अदिति यहाँ दादी और चाचू के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रही है और व्यू का भी फुल एंजॉय कर रही है। पतरातू डैम का वेदर भी काफी अच्छा होता है। यहाँ फाइनली हम लोग पतरातू लेक रिजॉर्ट के एंट्रेंस पे पहुंच गए। एंट्रेंस भी काफ़ी बड़े स्पेस में है। हर वॉल पे अच्छी अच्छी पेंटिंग की गई है। पतरातू डैम आए और हल्की हल्की बारिश हो तो मज़ा दुगना हो जाता है। वेदर काफ़ी ही सुहाना हो जाता है। एंट्रेंस से थोड़ी दूरी आने पर आपको टिकट घर मिलेगा। टिकट के चार्जेस कुछ इस प्रकार है। पर अडल्ट्स 20 रुपीज़ और 4 साल से ऊपर के बच्चे की हाफ टिकट लगती है। अदिति को यह प्लेस इतना अच्छा लगा कि ये यहीं पर एंजॉय करने लगी। और बारिश और हल्की ठंडी ठंडी हवा चलने पर मौसम और भी सुहाना हो गया था। टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्री होती है। एंट्री लेते ही आपको फुल व्यू देखने को मिलेगा। एक ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलेगा। किसकी किसकी साथ आई है दीप्ति? फूल है, देखो है ना, मस्त है ना। वाओ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के खेलने के स्टैचू बनाए गए हैं जो काफी प्यारे हैं। हेलो अदितु, हेलो, हाय करो, देखो इधर देखो, मम्मा को देखो। काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ हर टाइप के झूले बनाए गए हैं।
यहाँ अदिति चाचू के साथ झूला एंजॉय करते हुए। काफ़ी सारे यहाँ झूला है, बच्चे यहाँ काफ़ी लंबे टाइम के लिए एंजॉय कर सकते हैं। झूला एंजॉय करने के बाद हम लेक के करीब आए। लेक के करीब आते ही आपको और भी सारी एक्टिविटी करने को मिलेगी, जैसे बोटिंग, हॉर्स राइडिंग एंड कार ड्राइविंग। यहाँ बच्चों के लिए चार्ज वाला कार रहता है, जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं ड्राइविंग। लेक के करीब छोटे छोटे शॉप है, जिसमें ब्यूटीफुल बैंगल्स एंड इयररिंग्स मिलेंगे। पतरातु डैम आए और बोटिंग ज़रूर करें, क्योंकि इससे मज़ा दुगुनी हो जाती है और फुल इंजॉयमेंट हो जाता है। बोट की चार्जेस दो टाइप की है, एक नॉर्मल बोट होती है और एक हाई स्पीड बोट होती है। नॉर्मल बोट 200 से 300 स्टार्ट होती है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि आप कितनी दूर जाते हैं। और हाई स्पीड बोट की चार्जेस 750 रुपया है, पर एक बोट में 6% ही अलाउ होते हैं। हमने हाई स्पीड बोटिंग चूज की और ये इसमें काफ़ी मज़ा आया। अदिति ने तो काफ़ी मज़ा किया, मतलब बिल्कुल डर नहीं लगा और अदिति फुल एंजॉय की। फाइनली हमने पतरातु डैम फुल एंजॉय किया और एक एक चीज़ एंजॉय किया। अगर पतरातु एरिया को आप और एंजॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पास में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, वहाँ आप स्टे करके पतरातु डैम एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर।